फिर उधर चलेगा कि जब अरे आप इधर बढ़ाए इन सब बातें इधर आइए इधर आइए हला बोलो ना मुंह मत खोलो आगे जाइए कोई थोड़ा सा सर आइए आगे जनता का मूड कैसा लग रहा है? जनता का मूड तो ठीक ही है, इसमें क्या शक। और जनता का मूड क्या है ये हमारे बोलने की अपेक्षा आप लोग अनुभव करके बता सकते हैं, अपने जो भी आपके मित्र हैं वहाँ पत्रकार मित्र हैं वही लोग बता देंगे। लेकिन हम लोगों का कार्यक्रम था, ये कल भी था और आज भी था, आज सब तीन जगह मीटिंग करके अभी लौट गए। अब जनता मालिक है, जाए ना भाई, सबको अपना जाने का, उसमें हम लोगों को क्या करना है। कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे सबसे अच्छा यही होगा, रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहे तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते, समझ गए ना। रोजगार का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा कह रहे हैं, रोजगार को लेकर वहाँ पे दर्पण हुआ है। नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं है, आप देख नहीं रहे कि कितना ज्यादा हम लोग रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। और सबको नहीं पता है, अभी एक डेढ़ साल से जो कोरोना का दौर चल रहा है, और इसके बाद हम लोगों ने एक एक चीज के लिए, रोजगार के लिए जो प्रबंध किया है, और हर क्षेत्र में इसके लिए जो भी काम हो रहा है, चाहे शिक्षक के नियोजन का हो, सरकारी सेवाओं के विभिन्न विभाग में सेवाओं का निरीक्षण उसके लिए हो, इम्प्लॉयमेंट हो, उस सब के लिए काम शुरू है। अब किसी को कुछ पता नहीं है कब क्या दौर चल रहा है, क्या स्थिति है, ये सब की कोई जानकारी नहीं है, तो उसको क्या करना। इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। और जान लीजिए कि जो लोग ये सब डिमांड रखते हैं, जिनको काम करने का बहुत मौका मिला, 15-15 साल मौका मिला, कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, इसलिए इन लोगों की बात का कोई मतलब नहीं है। और हम लोग तो कर ही रहे हैं, और आप जानते हैं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को और भी जो रोजगार के अवसर मिले, तो आप जानते हैं ना, हम लोगों ने तो पिछली बार कर दिया था, अनुसूचित जाति जनजाति को जो अगर करेंगे तो 5 लाख रुपया का अनुदान, 5 लाख रुपया का ऋण बिना कोई टैक्स के, ये करवाया। बाद में हम लोगों ने उसी में अति पिछड़े वर्ग को शामिल किया, और अब इस बार क्या किया, सारी महिलाओं को, उनके अलावे भी सब तरह की महिलाओं को भी पूरा का पूरा 5 लाख रुपया का अनुदान, और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको ऋण मिलेगा। और उसके बाद जो बाकी समुदाय के लोग, उन सभी समुदाय के लोगों को भी 5 लाख रुपये का अनुदान और 5 लाख रुपये का ऋण, मात्र 1% का टैक्स लेकर के। तो एक काम हम लोग करवा रहे हैं, कौन सी ऐसी बात है जहां पर काम नहीं हो रहा है, और कहां का कितना हो रहा है। अब डॉक्टर्स का देख रहे हैं ना कि कितना हो रहा है, और कितना लोग मेहनत किया है एक एक चीज़ में, पुलिस का देख रहे हैं ना, इन लोगों को कुछ पता है, बात करते हैं, अपने कुछ लोगों से कुछ कुछ बुलवाता है, उसको मालूम है। आप देख रहे हैं कि अब पुलिस में भी महिलाएं कितनी है, कि कैसे आ गई महिलाएं, अच्छा इन लोगों के समय में तो कुछ था नहीं, और अब बिहार में पुलिस बल में जितनी महिलाएं हैं, हम लोगों ने तो आरक्षण दिया ही, और उसका जो जितना रिक्रूटमेंट हुआ है, आप जरा देख लीजिए, तो सब काम चल रहा है। और कोरोना का ये दौर धीरे धीरे खत्म हो जाए, हम लोग तो उसी में लगे हुए हैं, और तेजी से सारा काम होगा, तो एक एक चीज हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तो कोई काम से मतलब है नहीं, अंदर रहना है, वहीं से सबको फोन करना है, कुछ भी करना है, तो ऐसे लोगों का क्या है।
लेकिन जरा जवाब तो दे, 15 साल में क्या किया, कितना सड़क बनवाया, क्या बिजली का किया, क्या स्कूल में पढ़वाया किसी को, ये सब लोग जानते हैं, समझ गए ना। हम तो पहले भी कह दिया, आजकल तो वो शुरू हो गया है ना कि सब लोग अपना मोबाइल पर इधर से उधर कुछ करके बात करना, जो सारी बातें सब लोग, हमको इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, इतने दिन से लगातार काम कर रहे हैं। और हम तो प्रार्थना करेंगे कि आप लोग ना असेसमेंट करिए, और जहाँ पर भी कोई कमी होता है कि एक चीज़ को देखने का, अजरा बताइए तो जो कुछ भी होता है, लोगों को कभी कोई चिंता थी जब बाढ़ से प्रभावित होता था, सुखाड़ से प्रभावित होता था, क्या देते थे, कुछ करते थे? अब हम लोगों ने आपदा का जो काम शुरू किया 2007 से ही, तो किस तरह से आपदा का सब काम, और इस बार भी जहां कहीं भी जो प्रभावित हुआ है, एक एक चीज को देखना, हर प्रकार से हम लोग एक एक चीज में काम करते हैं। और आप जितना तक जो कुछ भी हम लोगों ने वादा किया, अब बोलिए, पानी पहुंचा दिया लगभग पूरा, शुद्ध पेयजल, शौचालय का निर्माण, तो एक एक काम जो हुआ है, किस तरह से स्कूलों का निर्माण, लड़कियों को हम चाहते हैं कि सब इंटर तक पढ़ जाए, हर पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई का प्रबंध, ये सब काम जो हम लोग कर रहे हैं, उसको पता चलता है। ये कुछ भी बोलना है ऐसे ही, कुछ एक आध लाइन बोल देना, खूब पब्लिसिटी लेना, हाँ हम पर बोलेगा तभी ना पब्लिसिटी मिलेगा, हम पर नहीं बोलेगा तो क्या पब्लिसिटी मिलेगा। इसलिए स्वाभाविक है, करो जो इच्छा करे करिए, हम लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। और हम सब लोग गए, सारे लोग देखे, कहाँ गए भाई, जरा बुलवाइए, उनसे भी पूछिए आप, निकल गए, उधर से निकल गए, अच्छा, नहीं तो और लोग भी जो साथ में थे, यहाँ से तो आना पड़ता है, अलग हो जाना पड़ता है, कोई ये चुनावी चीज है, इसलिए तो इसलिए हम सब लोग जनता की सेवा करते हैं। और आप लोगों को मालूम है, हम हमेशा कहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, इतने दिन से कर रहे हैं, यही करेंगे। जनता की जो भी इच्छा, वही मालिक है, वही तय करती है, हम लोगों को इसके अलावा क्या सोचना है। लेकिन दो लोगों की मृत्यु हो गई, एक का कोरोना के कारण और एक व्यक्ति को अन्य प्रकार से, ये दुखद चीज थी, ऐसी कोई आयु भी नहीं थी। अब उसके बाद लोगों के बीच में आज चुनाव हो रहा है, तो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे, जिनको जिताए थे उन्हीं को। अब आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं और आपस में भी क्या क्या बात करते हैं, हमको कोई दिलचस्पी है कि कौन क्या बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पूरा भरोसा जनता पर है, उन्हीं के सेवक हैं हम लोग, और हम लोगों के लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है, और कुछ लोगों के लिए अपना आगे बढ़ाने के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। इसलिए ये सब चीज तो सबको मालूम है, इसलिए कौन क्या बोलते हैं हम पर, बोलते रहे, इसलिए तो हमने आप लोगों को कह दिया है, कैसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोग आज भी यहाँ पर, थैंक यू।